के लिए। तो दोस्तों, अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग इनवाइट करेंगे और अपनी शानदार वर्चुअल क्लैपिंग, हार्ट साइन और जिस भी तरीके से हम लोग उनका वेलकम कर सकते हैं, द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में लैम्बोर्गिनी ड्राइव करने वाले, इंडस व्यूअर में फर्स्ट रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर प्रेम कुमार, द रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर एंड वीएससी मेंबर। वेलकम ऑन द स्पॉट सर। गुड मॉर्निंग गुरबेज जी, थैंक यू फॉर द फैंटास्टिक होस्टिंग, लवली लाइवली होस्टिंग। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, यस, वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच। यस, ऑलरेडी हमारे साथ 500 लोग कनेक्टेड हैं गुरबेज जी। आई थिंक देखते ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आज का मॉर्निंग का ये माहौल, फंटास्टिक एटमोसफियर, जिसके अंदर आकर लगता है कि एवरी टाइम की हमें कुछ स्पेशल हमारे लोगों के लिए करना चाहिए। वो फीलिंग हमेशा इसलिए आती है क्योंकि लोगों का कमिटमेंट और उनकी जो एक्सपेक्टेशन इस इंडस्ट्री से उनके लाइफ में और उनके फैमिली, उनके टीम्स, उनके फ्यूचर, उनके टीम्स और उनके फैमिली के फ्यूचर के बारे में जब सोचकर इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत ही हमें अच्छा लगता है कि पीपल आर सो मच हैविंग बिलीफ इन दिस इंडस्ट्री। सो चलिए, थैंक यू सो मच गुरबेज जी फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। सो ऑल ऑफ यू, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, यस, थैंक यू सो मच, ऑल द मॉर्निंग विशेस। आप सभी लोग ऑन टाइम कनेक्ट हो गए हैं आज, एंड दैट्स वेरी वेरी नाइस। एंड चलिए अब शुरू करेंगे इस मीटिंग को एक वाइब्रेंट गुड मॉर्निंग के साथ, जो होता है गुड मॉर्निंग इंडस वीवा की एक आवाज, एक टीम, एक पहचान और एक परिवार का। इस एक पावरफुल वाइब्रेशन के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तो एडमिन, मैं रिक्वेस्ट यू टू अनम्यूट। तो सब लोग एक ही आवाज में कहेंगे गुड मॉर्निंग इंडस वीवा, और इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे 3, 2, 1। Yes, that was a very, very, very huge गुड मॉर्निंग। सभी लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पर गुड मॉर्निंग का आवाज सुनने का मौका मिला, और कभी कभी लगता है कि लोग ट्रैवल करते हैं तो शायद उनकी आवाज, गाड़ियों की भी आवाज यहाँ पर बीच में आ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि गाड़ी भी हमें, हमारे साथ कनेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि गाड़ी की तरफ से भी गुड मॉर्निंग किया कहा जा रहा है यहाँ पर, राइट? दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। सो वेलकम ऑल यू लवली पीपल। और यस, ये है वेबथॉन सीजन 8। यस, सीजन 1 से लेकर सीजन 8 के तरफ हम लोग जा रहे हैं, एंड इट इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ सीजन 8, क्योंकि गुड न्यूज इज वेरी शॉर्टली वी आर गोइंग टू एंटर इनटू आवर वेबथॉन। नेक्स्ट सीजन इज रेडी, ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। बैकग्राउंड में लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड प्लानिंग चल रही है उसके लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेबथॉन सीजन 9। अब चलिए, बिफोर दैट वेबथॉन सीजन 8 की कुछ खास बात यह है कि वेबथॉन सीजन 8 के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल डिस्कस अबाउट द 8 कोर स्टेप्स, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो 8 स्टेप्स है उसके। हर एक वीक में हम लोगों ने एक एक स्टेप का यहां पर डिस्कशन किया। तो लेट्स सी व्हाट आर दोज 8 स्टेप्स बिफोर वी गो इनटू टुडेस सेशन। यस, द 8 कोर स्टेप्स सेज वी हैव स्टार्टिंग फ्रॉम लिस्ट मेकिंग, द फर्स्ट वीक वी हैव कंप्लीटेड दैट। उसके बाद सेकंड वीक पर हम चले गए थे सिलेक्शन पर, लिस्ट तो कर लिया, तैयार कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया उसे, जिसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। एंड द थर्ड स्टेप है, थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक, इट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिंग, बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग के बिना अगर हम प्लान दिखाएंगे तो हम सक्सेसफुली सेल्स क्लोज कर नहीं सकते। एंड देन उसके बाद हाउ टू इन्वाइट द प्रोस्पेक्ट। तो लिस्ट मेकिंग, सेलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन हो गया 4 वीक्स, एंड द 5th वीक, दैट वाज द लास्ट वीक, जब हम, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया शो द प्लान, हाउ टू शो द प्लान, प्लान को कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए, उसके बारे में वी हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट वीक। एंड दिस इज द 7th वीक, एंड जिसके अंदर वी विल ट्राई टू कवर 3 मोर स्टेप्स। सो द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द फॉलो अप,
Follow-up is a very, very important part of our business, especially जब हम sales closing की बात करते हैं, business development की बात करते हैं, तो follow-up is a very important role of each one of us. So follow-up, and the next comes the retail, and the last one, eighth step is sales closing. चलिए, let's see today how far we can go. Three more steps in front of us. So let's get into follow-up mode. फॉलोअप के लिए कुछ पॉइंट्स यहां पर हमें माइंड में रखना जरूरी है, बिकॉज व्हेन वी गो एंड मीट पीपल, वहां पर लोगों का जो माइंडसेट जो है वो हमें समझना जरूरी है. सो पहला एक इंस्ट्रक्शन फॉलोअप को लेकर ये बताया जा रहा है कि डोंट एवर अज्यूम दैट द प्रोस्पेक्ट विल से आई एम रेडी. इसका मतलब दोस्तों, कभी ये उम्मीद ना रखिए कि आपके जो प्रोस्पेक्ट जिनको आपने अप्रोच किया, बिजनेस प्लान समझाया, ये कभी उम्मीद मत रखिए कि वो कहेंगे सामने से कि मैं तैयार हूं. ये बहुत कम या ना के बराबर आप समझ लीजिए कि द प्रोस्पेक्ट विल नेवर से आई एम रेडी एंड नेवर अज्यूम. आपको ये इमेजिन या कल्पना नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है, प्रोस्पेक्ट अब तैयार होगा और मुझे आकर कहेगा कि मैं तैयार हूं. ये कभी नहीं होता है. फॉलोअप तो करना ही पड़ता है हमेशा, राइट? सो एंड फॉलोअप कब किया जाए? फॉलोअप को इमीडिएटली आफ्टर द वीओपी. लास्ट वीक हम लोगों ने डिस्कस किया वन टू वन बेसिस पर कैसे वीओपी यानी प्लान दिखाया जाए. द सेकेंड वन वी हैड डिस्कस्ड, व्हाट वाज दैट? लेट्स सी कितने लोगों को याद है अभी भी, राइट? द फर्स्ट वन इज वन टू वन. The second one, we gather. अच्छा, याद होगा आपको, right? We gather. And the third one is the virtual VOP, जो Tuesdays and Thursday conduct किया जाता है Vibrant Viva की तरफ से. So, VOP के बाद तुरंत immediately follow-up होना चाहिए. Follow-up is not something to be done after some time या after 2-3 days. लेकिन follow-up should be done immediately after VOP. For example, मैंने अपना prospect को one-on-one पर लेकर गया. मैंने अपने upline के साथ उनको बिठाया और discussion हुई. वो हो सकता है. It may be a V-gather, जो Star 250s उनके घरों में जो organize करते हैं, वो V-gather पे भी हो सकता है. या इट में भी इसके अलावा जैसे थर्ड पॉइंट है जो वर्चुअली जो ट्यूसडे एंड थर्सडे को वीओपी कंडक्ट किया जा रहा है उसके जरिए हम प्लान दिखाएं और उसके बाद भी जो होता है वो फॉलोअप. तो फॉलोअप शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द वीओपी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना चाहिए, फर्दर फॉलोअप इफ नीडेड. जैसे वीओपी के बाद तुरंत हम फॉलोअप तो कर ही लेते हैं, वो कैसे किया जाए उस प्रोसेस के अंदर जाने वाले, लेकिन मैं स्टेप्स आपको समझा रहा हूं, सब स्टेप्स इन द सिक्स्थ स्टेप. फॉलोअप के अंदर सब स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कि फॉलोअप वहीं पर होना चाहिए वीओपी के बाद तुरंत, और अगर जरूरत पड़ा इफ नीडेड 24 or 48 hours, यानी 24 या 48 hours, यानी 1 or 2 days के अंदर फिर से दोबारा सेकेंड टाइम फॉलोअप होना भी जरूरी है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ रिगार्ड टू फॉलोअप. एंड गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स लुक इनटू फ्यू अदर थिंग्स. फॉलोअप जब आप करते हैं, हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मतलब हमारा जो प्रोस्पेक्ट है उस प्रोस्पेक्ट के सामने क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. कि क्या कहना चाहिए वो तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो नहीं कहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, दैट इज डोंट आस्क व्हाट हैव यू डिसाइडेड और आर यू गोइंग टू जॉइन. कभी हमें ये पूछना नहीं चाहिए कि आपने क्या डिसाइड किया. ये एक गलत सवाल साबित हो सकता है दोस्तों. सो नेवर एवर आस्क व्हाट हैव यू डिसाइडेड. ये कभी कभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके घर पे आपने किसी को इनवाइट किया जो बहुत ही आपके खास दोस्त हैं, और उन्होंने कहा फोन पर आते, मतलब ऑन द वे जब वो एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से आपके घर आ रहे थे, उन्होंने आपको कहा कि मैं बहुत ही मुझे भूख लग रहा है, राइट? तो आपने कहा ठीक है आप घर पहुंच जाओ, घर पहुंचने से पहले हम खाना जो है उसका इंतजाम कराएंगे. और जैसे ही वो आपके घर पहुंच गए और सीधा आपको आपके घर में लिविंग रूम पर बैठे हैं, तो आपने कहा चलिए हम अब डिनर करते हैं या लंच करते हैं, और उनको आपने डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया.
और डाइनिंग टेबल पर वो बैठ गए और आप भी आपके फैमिली के साथ हैं, तो उनके सामने आपने कश्मीरी पुलाव या हैदराबादी बिरयानी, जो भी आपके मनपसंद जो चीज आपने आपके घर पे जो आपने तैयार किया उनके लिए खाना, वो खाना जो है उसको आप जब उनके प्लेट में या उनके उनके लिए आप सर्व करते हैं, राइट, जो होता है ना अतिथि सत्कार, यू आर सर्विंग द गेस्ट, और सर्व करने के बाद अगर आप उनसे सवाल करेंगे आर यू हंग्री, क्या आप खाना चाहते हैं, तो ये एक बेइज्जती माना जाता है, यस और नो? हम कभी नहीं कहते कि क्या आप खाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं चलो अब इस लंच का हम लोग यू नो लेट्स एंजॉय द लंच, हम कहते हैं कि चलो इस लंच का आनंद लेते हैं हम लोग, राइट, लेट्स हैव अ फंटास्टिक फूड, तो हम खाना शुरू करते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे कि आर यू हंग्री, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमें बता रखा है कि वो बहुत उनको बहुत भूख लगी है, तो वो जल्दी से कुछ खाना चाहते हैं, राइट? ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम किसी को ये सारे स्टेप्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, लिस्ट मेकिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, ये सब इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस से गुजरते हुए हमने ये चेक कर लिया, तय कर लिया कि उनको ये प्लान, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूरी है, तो जैसे हम कश्मीरी पुलाव या हैदराबादी बिरयानी उनकी उनके लिए हम सर्व करते हैं, हम कभी नहीं पूछते कि क्या आप खाना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं चलो अब खाओ, अब इस खाने को आप अभी एंजॉय करो, राइट? ठीक उसी तरह जब उनको प्लान हम दिखाते हैं, कभी ये गलत सवाल नहीं करना चाहिए कि व्हाट हैव यू डिसाइडेड, जैसे जब आपने खाना सर्व किया तो आप उनको पूछेंगे कभी क्या आप खाना चाहते हैं, राइट? तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है वो खाने के लिए वहां पर बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर स्पेशली, तो यू आर एक्चुअली डायरेक्टली गोइंग टू टेल यस प्लीज हैव द फूड, एंजॉय द कश्मीरी पुलाव, एंजॉय द दाल मखनी एंड आलू पराठा, व्हाट एवर इट इज, राइट? सेम वे यहां पर भी जब आपने प्लान दिखाया, आपको कभी नहीं पूछना चाहिए कि व्हाट हैव यू डिसाइडेड, बिमल जी आपने क्या डिसाइड किया, अगर मैं ऐसे पूछूंगा तो बिमल जी को भी बेइज्जती होगा, मेरे लिए भी ये गलत साबित होगा, मुझे ये कहना चाहिए शाहनवाज जी आई होप यू रियली रियली गॉट यू नो सो मच एक्साइटेड, राइट? ये मेरी मतलब एक एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये नहीं है कि दीप्ति मैम क्या आपको प्लान अच्छा लगा, राइट? अरिफुन निशा जी क्या आपको प्लान देके कुछ डाउट है, राइट? ऐसे नहीं पूछना चाहिए, और ये भी नहीं पूछना चाहिए कि आर यू गोइंग टू ज्वाइन, ये भी एक गलत सवाल साबित हो सकता है वहां पर दोस्तों, नेवर एवर आस्क इवन द क्वेश्चन ऑफ आर यू गोइंग टू ज्वाइन, व्हाट हैव यू डिसाइड, आपने क्या डिसाइड किया, क्या आप बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं, साइन अप करना चाहते हैं, ये गलत सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि वहां पर हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एज्यूम दैट दे वुड वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे बलराज सिंह दिलौन जी मेरे घर पे आ गए हैं और मैंने उनको डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया और लाजवाब बहुत ही शानदार प्रिपरेशन वहां पर बना तैयार हुई है खाना घर पे, तो मैंने उनको सर्व किया, तो मैं बल्लू पाजी को कहूंगा कि पाजी चलो अब मजा आएगा खाने में, चलो मिलकर खाना खाएंगे, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही हमारा भी बिहेवियर होना चाहिए जब लोगों को हम प्लान दिखाते, हमारे अंदर ये बिलीफ रहना चाहिए जैसे वो घर पे आकर अभी भूख ज्यादा हो गया उनको भूख, तो वो खाने के लिए अभी तैयार है, चलो खाना खिलाएंगे उनको, ये एटीट्यूड सेम बिजनेस के अंदर भी होना चाहिए, अज्यूम दैट दे वुड वांट टू गेट इन्वॉल्व, किम मैम यस आई थिंक यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट द न्यू जर्नी विद अस, बीना मैडम यस कंग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट अ ब्रांड न्यू लाइफ नाउ विद इंडस वीवा, let's start the journey Mr. Sheshadri, John sir this is what I have always been waiting to share with you, right? ye hamara language hona chahiye, and second point hai follow up ke andar jo hame hamesha jo nahi kehna chahiye wo maine aapko bata diya, ab always ask for sign up, isko kehte hain AAFTS, yani जैसे ही हम किसी को प्लान दिखाते हैं बिजनेस के बारे में उनको समझा देते हैं, उसके बाद AAFTS इसको भी माइंड में रखना चाहिए,
जो भी कॉन्वर्सेशन होता है आपके साथ, उनके साथ आप जो भी बातें करते हैं, उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए AAFTS. उन्होंने जो भी सवाल जवाब जो भी हुआ, वो क्वेरी सब कुछ क्लैरिफिकेशन हुआ, लेकिन आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? जस्ट लाइक अर्जुन्स फोकस. महाभारत के अंदर अर्जुन से पूछा गया कि तुम क्या देख रहे हो बेटा, राइट? जब द्रोणा ने पूछा तो अर्जुन ने कहा मैं उस पंछी की जो आंखें, आई एम लुकिंग एट द बर्ड्स आई, द आईज ऑफ द बर्ड. ठीक उसी तरह आपके अंदर भी ये हमेशा फोकस किस चीज पर होना चाहिए? AAFTS, यानी ऑलवेज आस्क फॉर द साइन अप, यानी हमेशा और हमेशा हमेशा आप साइन अप पर ही फोकस करें, और उनको साइन अप करने के लिए जो चाहिए वो उनसे आप मांगिए, राइट? एंड यदि फर्स्ट मीटिंग में इतना ज्यादा डीपली डिस्कशन नहीं हो पाता या कुछ रह जाता है कभी कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 आवर का वीओपी हो गया, 1 आवर 15 मिनट्स, उसके बाद 5-10-15 मिनट का फॉलो अप का भी डिस्कशन हुआ आपने किया, तो अगर वहां पर कुछ चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पाती हैं, तो नो प्रॉब्लम, एक सेकेंड मीटिंग सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. द सेकेंड मीटिंग फॉर रिव्यूइंग दोज हु हैव अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग. तो फर्स्ट हो गया वीओपी, उसके बाद तुरंत इमीडिएटली हो गया फॉलो अप, दैट वॉज द फर्स्ट मीटिंग. और कभी कभी फर्स्ट फॉलो अप में हम लोग पूरा कर नहीं सकते हैं, पूरा कर नहीं पा रहे हम लोग, तो हम सेकेंड मीटिंग भी सेट कर सकते हैं. एंड सेकेंड मीटिंग ऑल्सो विद इन अ वीक गारंटीड सक्सेस. यानी फर्स्ट वीक में, जैसे आज आपने उनको प्लान दिखाया, आज फ्राइडे है, लेट्स थिंक अज्यूम कि आज फ्राइडे वीओपी हो गया, तो वीओपी के तुरंत 15 मिनट के बाद या 5-10 मिनट्स के ब्रेक के बाद फिर से फॉलो अप हुई. फॉलो अप के बाद अगर आपने क्लैरिफिकेशन कंप्लीटली आपने नहीं कर पाए उनकी सवाल, या वो कहीं जाने में बिजी थे, जल्दी में थे, तो नो प्रॉब्लम, फ्राइडे हो गया, सैटरडे एक मीटिंग फिक्स किया जा सकता है जिसको हम कहते हैं सेकेंड फॉलो अप मीटिंग, या थर्ड संडे को भी एक मीटिंग फिक्स किया जा सकता है अगर सैटरडे वो बिजी है, ताकि 2 दिन के अंदर उनके माइंड में जो भी सवाल जो भी क्वेरीज है उसको फिर से दोबारा वो क्लैरिफाई आपके साथ कर सकते हैं, राइट? अब इस प्रोसेस के अंदर जैसे फॉलोअप की बात हो रही है, फॉलोअप के साथ ही साथ आफ्टर द फॉलोअप, फॉलोअप तो आपने कर लिया, फॉलोअप के बाद यदि आपके दोस्त, चलिए उनका नाम है राजीव, अगर राजीव जी कहते हैं कि चलिए प्रेम जी मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस के अंदर, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हूं, और कुछ समय के लिए मैं अपना टाइम दे नहीं पा रहा हूं, कमिटमेंट दे नहीं सकता हूं इस बिजनेस के लिए, अगर उन्होंने रिजेक्ट किया बिजनेस को, क्योंकि आपका प्रपोजल था बिजनेस, और बिजनेस को अगर उन्होंने रिजेक्ट किया, उसके अंदर उनकी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बना, तो आप यू नो आफ्टर द फॉलो द प्रोस्पेक्ट शोज नो इंटरेस्ट टू ज्वाइन एज ए वीवा रिटेलर, यदि वो साइन अप नहीं करना चाहते हैं एज ए वी आर, याद रखिए हम इंडस वीवा में वीबीओ कोई डायरेक्टली बन नहीं सकते, पहले उनको प्लान देखना पड़ता है, फिर वीवा रिटेलर का एक स्लॉट, एक आईडी उनको दिया जाता है, वीवा में जो आईडी उनको पहले दिया जाएगा वो है वी आर, यानी वीवा रिटेलर, इसको याद रखिए, बिकॉज वी आर एक बहुत ही रेगुलर वर्ड टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं, जैसे वी आर ओ एक ब्रांड न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम वाइब्रेंट वीवा की तरफ से आपको बताया गया है रिसेंटली, आई थिंक दिस इज अ न्यू डायरी, अगर आपने इफ यू हैव नॉट येट बॉट द वीवा एग्जीक्यूटिव प्लानर जल्दी से इसे खरीद लीजिए, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स नॉट जस्ट एन एग्जीक्यूटिव प्लानर या डायरी, इसके अंदर यू कैन सी द मैसेज ऑफ आवर रिस्पेक्टेड बिलाउड चेयरमैन, एंड ऑफ कोर्स प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी का जो माइलस्टोन्स है इसके अंदर है दोस्तों, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल फॉर फॉलो अप, तो प्लीज इसको जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए वाइब्रेंट वीवा वेबसाइट से, यू कैन गेट इट, अगर आपको इसको ऑर्डर करने में दिक्कत हो रहा है तो आप अपलाइन रूबी या पर्ल्स एमरल्ड्स के साथ बात कीजिए, बल्क में भी ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि कंपनी विल डायरेक्टली डिलीवर इट टू योर अपलाइन लीडर, उनसे आप आपका कॉपीज जो है वो मंगवा सकते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल टूल. देखिए 2013 में कंपनी का जो इंसेप्शन की जो समय से लेकर उस कंपनी का जो मैं कहता हूं ना थॉट्स बिकम्स थिंग्स, 2013 वॉज द टाइम वेन इंडस वीवा की थॉट्स चेयरमैन और हमारे जो रिस्पेक्टेड सीईओ उनके माइंड में आया, और वहां से प्रैक्टिकली हाउ द कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 2014, 2015,
16, 17, 18, 19 देखिए माइलस्टोन्स हर साल में कंपनी ने जो भी अचीव किया ये सब कुछ इसके अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है. सो दिस इटसेल्फ इज अ पावरफुल टूल, क्योंकि जब आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं तो वहां पर दोस्तों जब आप ये डायरी उनके सामने पेश करेंगे कि यहां पर भी आप देख सकते हैं एंटरिंग 10th ईयर लिखा गया है. यू कैन सी दिस एंटरिंग 10th ईयर. इट्स अ ब्यूटिफुल डॉक्यूमेंट ऑफ यू नो प्रूफ या हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, राइट. इसके अंदर यू कैन सी द वीवा आइकन्स एंड यू नो एडवाइजरी काउंसिल. एंड इसके अंदर मुझे एक चीज बहुत ही अच्छा लगा, यस ये फोटो मेरा ये देखकर भी मुझे अच्छा लगा, इट्स वेरी कम आउट वेरी ब्यूटिफुली. बट मोर देन दैट देखिए इसके अंदर यू कैन सी कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो वाइब्रेंट वीवा की तरफ से डेवलप किया गया है. यू कैन सी हियर MCM, राइट, देन यू कैन सी VRO. Yes, this is VRO, जो आप देख पा रहे हैं ना, this is very, very beautiful format of training. तो VRO, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि VR का मतलब हो गया Viva Retailer, और हमें ये Viva Retailer का माइंड में रखना पड़ेगा. तो जब फॉलो अप आप किसी को करते हैं, अगर कोई VR, Viva Retailer बनते हैं तो उनको 12 प्रोडक्ट रिटेल करने के बाद यानी 4 weeks के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर 12 प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के बाद उनको मिनिमम 4 हफ्तों के अंदर 12 प्रोडक्ट अगर उन्होंने 6 कस्टमर्स को रिटेल किया तो उनको VBO का एक स्थान, एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन दिया जाएगा ताकि वो बिजनेस में और भी लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, और भी लोगों को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, वरना उनको सिर्फ और सिर्फ रिटेलर बनकर ही रहना पड़ेगा. So the first step when they come into the industry of business is Viva Retailer. Viva Retailer के बाद वो बनेंगे VBO. तो हमारा proposal रहा कि आप हमारे साथ Viva Retailer बनिए और फिर VBO बनिए. अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे इस business के अंदर time देने के लिए commitment देने के लिए I am not ready क्योंकि मैं किसी और चीज के अंदर involved हूँ, engaged हूँ. So respect that decision. आपकी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप अपसेट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, एंड आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने कहना चाहिए थैंक यू सर जी, आपने ओपनली आपका जो ओपिनियन है वो मुझे आपने बताया. चंद्रकांत जी आप बिजी हैं मुझे पता है, लेकिन आप कम से कम हमारे कस्टमर तो बन सकते हैं, राइट. देखिए वो कहते हैं ना कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए, खाली हाथ नहीं आना चाहिए. यस, तो आपने अपना समय दिया उनके लिए, आपने प्लान दिखाया, सब कुछ किया. यदि वो बिजनेस को रिजेक्ट भी करते हैं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए. इसीलिए हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर सीईओ विलास थॉमस जी हमेशा कहते हैं कि प्लान को पहले पेश किया जाए, क्योंकि यदि उन्होंने प्लान को रिजेक्ट किया, वैसे इंडस्ट्रियों में प्लान की रिजेक्शन की बात अब ना के बराबर है, ये मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज इसको आप ध्यान से सुनिएगा. इससे पहले इंडस्ट्री ऑफ बिजनेस के अंदर आने के लिए हम लोगों ने प्रपोजल दिया कि आप 200 पीवी की ऑर्डर कीजिए, आपके पास 8 प्रोडक्ट का स्टॉक होना चाहिए, फिर उसको रिटेल करेंगे, रिटेल करने के बाद आपको रिटेल प्रॉफिट भी मिल जाएगा. लेकिन अब ये गेम चेंजिंग डिसीजन कंपनी की तरफ से ऑलरेडी हो चुकी है और January 1st से ये लागू है कि इंडस वीवा बिजनेस के अंदर आने के लिए किसी को पैसा अपने पॉकेट से इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. वो जीरो, बिना कोई इन्वेस्टमेंट जीरो से वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं. और दोस्तों जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है और उल्टा मतलब इन रिटर्न हम उनको पैसा दिलाते हैं, जैसे इससे पहले अगर मुझे मिस्टर धर्मवीर भारती का साइन अप करना है तो धर्मवीर भारती को मिनिमम 24-25,000 रुपीस पैसा उनको तैयार कर रेडी करना पड़ता था, और उसके बाद 8 प्रोडक्ट खरीदना पड़ता था, फिर उसके बाद वो वीवा में आते थे एज ए VBO. लेकिन आज के तारीख में कंपनी ने एक बहुत बढ़िया सुविधा, एक ऑप्शन दिया हुआ है VR. धर्मवीर जी आप पॉकेट से पैसा मत निकालिए बिजनेस के अंदर आने के लिए. हाँ, इस प्रकार की जो वीवा डायरी या ब्रोशर्स या कंपनी की जो कोलैटरल्स या क्या बोलते हैं हम लोग मर्चेंडाइज जो है वो सब कुछ खरीदने के लिए आप पैसा जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं. यस, दैट्स वेरी वेरी नाइस. लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा पॉकेट से डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो धर्मवीर भारती जी आप हमारे साथ रहिए, हम आपको सिस्टम सिखाएंगे, सिस्टम के जरिए आप 12 प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए हमारे साथ दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे, हम भी आपके साथ देने वाले हैं, राइट. हम मिलकर ये 12 प्रोडक्ट रिटेल करेंगे और आपके पॉकेट में
6000 रिटेल प्रॉफिट पहुंचाएंगे, आपको 6000 रिटेल प्रॉफिट कमाने के लिए हम मदद करेंगे। उसके बाद आप बिजनेस के अंदर आइए। धर्मवीर जी, ये है आज का प्रपोजल। आप बताइए दोस्तों, हाउ कैन एनीबॉडी रिजेक्ट दिस काइंड ऑफ यू नो अनडिनाइबल ऑफर? इससे और क्या पेश किया जा सकता है लोगों के सामने? इससे पेशकश और खूब क्या हो सकता है, राइट? तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट ऑफर एनीबॉडी कैन ऑफर ऑन दिस प्लैनेट कि सर आप हमारे साथ रहिए, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें अपने कुछ खास लोगों से मिलवाइए, 10-15-20 मिनट हर एक के साथ हम बिताएंगे और उसके बाद रिटेलिंग भी कराएंगे, आपको रिटेलिंग का तरीका भी हम सिखाएंगे और 6000 प्रॉफिट के साथ आप अपनी बिजनेस की शुरुआत कीजिए। दोस्तों इससे बेहतर ऑफर मुझे नहीं लगता कि मतलब वो बिग बाजार का एक अभी भी मुझे याद है वेडनेसडे बिग बाजार का एक स्पेशल ऑफर हुआ करता था, तो वहां पर उन्होंने लगाया कि इससे सस्ता और अच्छा और कहां, इससे सस्ता और अच्छा और कहां। तो दोस्तों इससे बेहतर और इससे खूब और कहां। तो रिजेक्शन की तो मुझे लगता है कि जीरो ऑप्शन है, जीरो जीरो के बराबर है। लेकिन खैर, अगर किसी ने इसके बाद भी उन्होंने रिजेक्ट किया, रीजन ये नहीं है कि उनको वीवा पसंद नहीं आया, रीजन यही हो सकता है ज्यादातर मुझे लगता है कि लोग किसी ना किसी चीज के अंदर कमिटेड हैं, जैसे उनकी उनका जो काम जो है वो बहुत ही एक सीरियस प्रोफेशन है जिसके अंदर उनको मोबाइल यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। शायद वो किसी बैंक के अंदर अकाउंटेंट है, पैसा गिनना पड़ता है तो हमेशा फोकस्ड रहते हैं, उनको 8 घंटा बैंक में देना पड़ता है, उसके बाद उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनके पास टाइम बहुत कम है, ऐसे लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जहां तक मैं जानता हूं, लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में जाने के लिए जो ऑफर हम लोग दे रहे हैं इसको कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी ने रिजेक्ट भी कर डाला, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ कहते हैं प्लान दिखाइए, अगर प्लान को रिजेक्ट किया तो कोई हेल्थ को तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता कि नहीं मुझे अच्छे मतलब गुड हेल्थ नहीं चाहिए। तो हर कोई कहता है कि जैसे मैंने कहा दोस्तों लास्ट वीक Wednesday, I was flying from Bangalore to Guwahati. और Bangalore to Guwahati, it was about 3 hours journey. तो मेरे बगल में जो passenger थे, my co-passenger, he was from Tejpur. और मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ के हैं? तो उन्होंने कहा मैं आसामी हूँ और बैंगलोर में आप क्या करते हैं? बैंगलोर में मैं नौकरी करता हूँ, 40-50 हज़ार का मेरा पगार है। तो फिर मैंने पूछा कि why are you going to Assam? तो उन्होंने कहा लास्ट नाइट पापा का फोन कॉल आया घर से कि बेटा जल्दी आ जाओ क्योंकि पापा को शुगर की कुछ परेशानियां हो रहा है अब हेल्थ को लेकर, तो इसीलिए पापा को मैं डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूं क्योंकि उनका आईसाइट का भी कुछ प्रॉब्लम है और अभी 400 से ज्यादा हो गया शुगर लेवल। तब जाके उन्होंने पूछा कि आप करते क्या है? अरे इतना ज्यादा क्लू देने के बाद हम उनको छोड़ने वाले की कहां से? तो हमने कहा अरे यार क्या बात है, आपके पापा के लिए जो चाहिए भगवान ने उस कस्टमर मतलब उस पैसेंजर को आपके बगल में ही बिठा दिया, उनको समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा देखो भाई हम लोग कॉफी बनाते हैं जो खास करके शुगर वाले शुगर पेशेंट जो होते हैं जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है या प्री डायबिटिक होते हैं उनके लिए कॉफी है। मैंने उनको आई कॉफी का कुछ वीडियोस दिखाया तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो जाते जाते 3 घंटों का जो डिस्कशन हुआ उसके बाद वो भाई साहब कह रहे थे कि उनका नाम है दीपेंद्र दास, उन्होंने कहा प्रेम जी आप ये सब कुछ बताकर आपके फोन नंबर दिए बिना जा रहे हैं ना, ये बहुत गलत है, प्लीज आप नंबर दीजिए वरना मैं कहां से आपको कांटेक्ट करूं, कॉफी चाहिए पापा के लिए, राइट? देखिए तो दोस्तों कोई हेल्थ को लेकर आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल। तो जब आप उनको वीआर बनने के प्रपोजल देते उन्होंने रिजेक्ट कर डाला तो नो इश्यूज, आप स्माइल कीजिए क्योंकि वो आपके कस्टमर जरूर बन पाएंगे। तो डेफिनेटली आफ्टर द फॉलोअप इफ द प्रोस्पेक्ट इज रिजेक्टिंग उनको आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए एनकरेज जरूर कर सकते हैं। और रिटेल को लेकर मैं नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 7 वो थोड़ा सा यहां पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सेल इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग्स, इसका मतलब दोस्तों यहां पर बताया जा रहा है दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड फेमस सेल्स गुरु जिनका नाम है फिलिप कॉटलर जो बहुत ही एक लेजेंड है स्पेशली सेल्स को लेकर। उन्होंने यू नो ही हैज रिटन दिस बुक्स
उनकी किताब जो होता है ना, इट्स लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अलग अलग बुक जो होता है ना, जो लॉ को लेकर इतना बड़ा बड़ा बुक, तो इन्होंने लिखा बहुत सारे किताब. और ही वॉज एक्चुअली अ प्रोफेसर इन मेनी यूनिवर्सिटीज एंड ही वॉज अ स्पेशल यू नो इनवाइटी इन मेनी 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 ह्यूज कॉन्फ्रेंसेस, स्पेशली सेल्स को लेकर. तो फिलिप कॉटलर जो है वो कहते हैं सेल्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, उतना मतलब उतनी सारी किताबों को लिखने के बाद एज अ पावरफुल ऑथर एंड अ स्पीकर एंड एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट, वो उसको बहुत ही सरल भाषा में, आम भाषा में हमें बताते हैं सेल्स क्लोजिंग का मतलब क्या होता है. बेसिकली सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग. यानी दोस्तों जो मुझे यहां पर लग रहा है इस प्रोडक्ट को लेकर, राइट, प्रोडक्ट की बात हो रही है तो चलिए आपको मैं कुछ गुड न्यूज भी देना चाहूंगा. ये i12 जो है इट हैज रीच्ड मी 2 डेज बैक. मैंने वीवा टावर विजिट किया तो चेयरमैन, हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन जो है, उन्होंने ये प्रोडक्ट एक सैंपल मुझे उन्होंने दिया. उन्होंने कहा कि प्रेम जी यूज दिस प्रोडक्ट एंड टेल मी हाउ इट इज. तो आई एम ऑल्सो मोर एक्साइटेड आपकी तरह की इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए. और इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो एक बनाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग जानना चाहेंगे कि इसके अंदर क्या है, कितना क्वांटिटी है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसका यूज क्या है. डेफिनेटली दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल प्रोडक्ट एंड द नेम ऑल्सो इज वेरी गुड, i12 गमीज. एंड गमीज इज द ट्रेंडिंग थिंग इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेलनेस. अगर आप चेक करेंगे गूगल पर, गमीज इज ट्रेंडिंग टू. गमीज का मतलब ये आज लोगों को बहुत अच्छा लगता है गमीज खाने में. तो न्यूट्रिशन के अंदर, वेलनेस के अंदर गमीज का बिजनेस जो है इट इज एक्चुअली स्काई रॉकेटिंग. तो इंडस विवा की R&D टीम ने बहुत काम किया इसके ऊपर एंड दे हैव एक्चुअली फाइनली गॉट दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. इसका जो कलर ऑफ द बॉक्स एंड द फील ऑफ इट, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी शादी में अगर कोई जाते हैं ना, तो उनका जो शेरवानी या सिल्क साड़ी जो होता है उसका एक फील है इसके अंदर. इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने डिजाइन किया और इसको हम पेश करेंगे लोगों को, हम ये देंगे. और हमारे बीच में जितेश जी है जो यहाँ पर उनकी हार्ट दे रहे हैं. जितेश जी एक्साइट हो गए, तो आप देखिए दोस्तों एज ए एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड उनके अंदर इतना एक्साइटमेंट है इसको देकर. सो दिस इज समथिंग लाइक अ सेलिब्रेशन. इसको देखते ही मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन का एक मूड इसके अंदर है. सो दिस प्रोडक्ट विल बी अनबॉक्स शॉर्टली और इसका एक वीडियो बनाकर हो सके तो आज या कल के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा. सो दैट यू विल ऑल्सो नो द इनसाइड स्टोरी of what is inside this beautiful lovely packing of i12, the sixth baby in the cradle of Indus Viva, right? So dosto chaliye iske bare mein bataunga main aapko. So the point here is sales closing ka matlab kya hota hai. Example isliye maine ye uthaya tha, chaliye ye hum rakh dete hain aur main ab iske andar aata hu. Ye hamara old baby, the first baby of Indus Viva, iPulse. Dekhiye iPulse ka maza hi kuch alag hai. मैंने दुनिया भर के, अमेरिका से लेकर मलेशिया या दुबई या उज़्बेकिस्तान, यूरोप, इटली, स्विट्जरलैंड, आई बीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, ये मेरा कसम है, ये प्रॉमिस है मेरा, आई हैव नेवर एवर टेस्टेड एनीथिंग लाइक iPulse एनीवेयर इन द वर्ल्ड. एंड ये सिर्फ और सिर्फ इंडस विवा का जो फॉर्मुलेशन एंड इसका जो टेस्ट प्रोफाइल जो उन्होंने बनाया, इट्स अमेजिंग. अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं अभी, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल्स क्लोजिंग या सेलिंग. अकॉर्डिंग टू फिल कॉटलर वो कहते हैं कि आपके दिल में जो लगता है ना इसको लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, वो सामने वाला जो है उसके अंदर भी जब ये फीलिंग पैदा होता है, दैट इज माई फ्रेंड सेलिंग. बस इतना ही है. द लेजेंडरी फिल कॉटलर इज सेइंग सिंपल सरल भाषा में, आम भाषा में, कि सेल इज ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग्स. तो रिटेल करने की जब बात होती है, सो यू शुड हैव अ सोल्ड कन्विक्शन अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस. देखिए मैंने अभी अभी आई हैव नॉट इवन ओपन्ड दिस. हाँ, मेरा इंडस्ट्री के साथ इतने साल की जो जर्नी के अंदर मुझे ये बिलीव है द प्रोडक्ट इनसाइड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया. But the kind of conviction I have about my product, about my company's quality and the price is, and you know, undisputable. It is amazing.
इतना डीप बिलीफ एंड कन्विक्शन मेरे अंदर है कि मैंने इसका प्राइस का अभी तक मैंने सोचा भी नहीं, बिकॉज़ आई नो द प्राइस विल बी ऑलवेज राइटली प्राइस्ड एंड कंपनी इज ऑलवेज वर्किंग ऑन द राइट प्राइसिंग एंड द यूनिफॉर्मिटी इन द प्राइसिंग. तो प्राइस को लेकर, फॉर्मुलेशन को लेकर मेरे अंदर कोई एक्चुअल डाउट है ही नहीं इवन बिफोर ओपनिंग. बस ये तो नया प्रोडक्ट है, बट टॉकिंग अबाउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जिसका आपने लगातार रेगुलर यूज आप करते रहते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को लेकर, अच्छा वी हैव 800 पीपल, लवली द नंबर्स आर गोइंग अप. अच्छा, प्रोडक्ट्स को लेकर आपके अंदर डीप कन्विक्शन होना जरूरी है. स्पेशली दोस्तों जब रिटेल की बात होती है, यू हैव टू बी मोर देन 100%. अगर आपके अंदर 1% भी अगर शक रह गया, वो कहते हैं ना 99% बिलीफ एंड 1%, सिर्फ 1%, 99% आपके अंदर बिलीफ है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और 1% डाउट है, शक है. सो वो कहते हैं कि 99% बिलीफ प्लस 1% डाउट इज इक्वल टू 100% फेलियर. लेट मी रिपीट दिस फॉर्मूला, ए प्लस बी द होल स्क्वायर सीख सीख कर रट्टा मार मार के हमने सीखा, पता नहीं उसका कोई फायदा हुआ कि नहीं, लेकिन दिस फॉर्मूला विल चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग हर चीज में. जैसे इट कैन बी रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, विथ योर किड्स, विथ योर फादर मदर, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर टीम मेंबर्स. हर रिलेशनशिप के अंदर, हर व्यवहार के अंदर ये बहुत ही काम करता है दोस्तों, ये बिलीफ स्पेशली. तो इफ यू हैव 99% बिलीफ, 99% बिलीफ है, 1% शक, इसका मतलब दोस्तों इज इक्वल टू शत प्रतिशत, यानी 100% शत प्रतिशत फेलियर. क्योंकि वो 1% जो डाउट होता है आपके अंदर, वो 99% बिलीफ को खत्म कर देता है. सो नेवर अलाउ एनी डाउट टू कम इन योर माइंड. अगर आपको लगता है, अभी भी कुछ लोग हैं इंडस वीवा में जिनको लगता है कि एक्चुअली ना आईपल्स तो बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन भाई इसका प्राइस जो है थोड़ा महंगा है. भाई ये प्रोडक्ट का प्राइस महंगा नहीं है, आपके पास पैसा कम है, सच तो यही है, राइट? कोई एक मर्सिडीज बेंज को कॉस्टली कहकर रिजेक्ट नहीं करता है, यस और नो? कोई ये नहीं कह सकता कि शोरूम में जाकर, अरे यार ये 50 लाख की गाड़ी जो आपने किया मैन्युफैक्चर किया यहां पर, आई थिंक इट इज एक्सपेंसिव. कोई ये कह नहीं सकता है, क्योंकि वो शोरूम वाला कहेगा सर वी आर हैप्पी टू हैव दिस कार इन अवर, यू नो, वो जवाब देंगे उनके हिसाब से. तो कोई मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, ऑडी या फोक्सवैगन या किसी लग्जरी गाड़ी, इवन फॉर दैट मैटर इवन नाउ वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कमिंग इनटू इंडिया, कोई एक एक मर्सिडीज को स्पेशली कॉस्ट की वजह से रिजेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज राइटली प्राइस्ड. हाँ, आईपल्स इज 3100 एमआरपी इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस, और इसका जो डीपी है 2500 एंड 100 रुपी रिटेलिंग डिलीवरी चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, सो 2600. अगर मैं 2600 अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, तो दोस्तों ये प्रोडक्ट की कमी नहीं है, ये प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं. लेकिन क्या होता है, आम लोगों की सोच, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों का सोच यही होता है कि जो मेरे पर्स में फिट नहीं होता है वो महंगा है. दोस्तों दिस इज अ रॉन्ग साइकोलॉजी टू रिमेन, स्पेशली लेट मी टेल यू, अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में कहूं, इफ यू वॉन्ट टू मूव फ्रॉम लेफ्ट क्वाड्रेंट टू राइट क्वाड्रेंट, आपका सोच जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा. बिफोर यू बिकम रिच, यू हैव टू एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग रिच. अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है क्योंकि मेरे पॉकेट के अंदर ये फिट नहीं होता है, कि दिस इज एक्चुअली योर प्रॉब्लम. और पता है क्या है, मैक्सिमम टाइम्स मैंने देखा कि वीबीओस उनकी पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोडक्ट को लेकर जो अफोर्डेबिलिटी या अफोर्ड करने की जो बात होती है, इसको लेकर पब्लिक को भी ऐसे ही देखना शुरू कर दे. हाँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है, महंगा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पॉकेट के अंदर, मेरे पर्स के अंदर ये फिट नहीं होता है, इसके लिए मुझे ये महंगा लग रहा है. दोस्तों इसका मतलब आपने अपना पर्सनल प्रॉब्लम को प्रोफेशनल कर दिया. जैसे मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूं कि आपको मर्सिडीज बेंज शोरूम में अगर आपको एक सेल्समैन का जॉब दिया गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव,
क्या ये जरूरी है कि आप मर्सिडीज चलाएं, मर्सिडीज बेंज को मतलब मर्सिडीज का ओनर बने मर्सिडीज बेंज गाड़ी को बेचने के लिए? जरूरी नहीं है। जिस बंदे ने मुझे मर्सिडीज बेंज सेल किया, वो बंदा उसी दिन शाम को मैं देख रहा था, मैं वहां शोरूम से घर जा रहा था अपना दूसरा गाड़ी लेकर कार, और वो बंदा जिसने मुझे मर्सिडीज का इतना एक्सप्लेन किया, मुझे साइन भी किया, 1 लाख का बुकिंग अमाउंट भी मेरे से लिया, वो बंदा अपना RX 100 लेके शोरूम से घर जा रहा था 6 बजे के बाद। मुझे उस दिन एक चीज साक्षात्कार हुई मेरे अंदर, मर्सिडीज बेचने के लिए मर्सिडीज का ओनर बनना, उसको चलाना जरूरी नहीं है। यू जस्ट नीड टू नो द फीचर्स ऑफ द मर्सिडीज, और सही बंदा आपके सामने आएगा तो सही इंफॉर्मेशन देने से सेल्स क्लोजिंग हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है प्रोडक्ट महंगा है। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना जरूरी है। सो सेल इज ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग, स्पेशली रिटेलिंग की जो बात हो रही है यहां पर, एंड हैव अ सॉलिड कन्विक्शन अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस। सामने कोई भी आ जाए, आपको कहना पड़ेगा सर दिस इज अ फंटास्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? चलिए सर, एक गलत काम लोग करते हैं, वो क्या है? जब किसी के सामने आपने आईपल्स या जो भी प्रोडक्ट हो सकता है आपने पेश किया, देखते ही कुछ लोगों के अंदर वो वाइब्रेशन आ जाता है, वो कहते हैं कि इसका प्राइस बताओ, इसका प्राइस बताओ। अरे प्राइस अगर आप पहले ही बता देंगे तो इसका प्राइस उनके दिमाग में रेड अलर्ट, रेड अलार्म बजाएगा। सो रिमेंबर दिस, नेवर पुट द प्राइस बिफोर यू पुट द वैल्यू। फिर से मैं याद दिला रहा हूं आपको, नेवर पुट द प्राइस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर बिफोर यू पुट द वैल्यू। तो प्राइस तो बताऊंगा सर, यस, लेकिन इससे पहले इसका फॉर्मुलेशन जो है वो मैं आपको समझाता हूं, वरना सर प्राइस को जान के आप इसको लेने वाले तो नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट्स अबाउट द फॉर्मुलेशन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका हार्ट का प्रोटेक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल, ऑल दोस बेनिफिट्स एंड सो मेनी फ्रूट्स इन दिस, वो सब कुछ बताकर कहना चाहिए कि सर दिस इज द प्रोडक्ट। एंड फाइनली सर, इसका एक बॉटल होता है 1 लीटर जो आप 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दिस, राइट? सो ऑलवेज हैव द सॉलिड कन्विक्शन अबाउट द प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड थिंग्स लाइक दैट, और उसके बाद आप लोगों को इसके वैल्यू समझाने के बाद प्राइस बताएंगे तो लोग इसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। एंड दोस्तों, सेलिंग इज नॉट अ वेरी स्पेशल स्किल जिसके लिए हमें बहुत अलग अलग बुक्स पढ़ के आना पड़ता है या किसी यूनिवर्सिटी में जाके स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। सेलिंग इज, नोबडी इज इम्यून टू सेलिंग। इसका मतलब हर किसी के लाइफ में जब जरूरत पड़ता है तो हम खुद एक बेहतरीन सेल्समैन या सेल्सवुमन, मतलब सेलिंग हम खुद कर सकते हैं जब जरूरत पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान के चलते हैं कि हमारे बीच में आज है यहां पर, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर वर्गीस पॉल हमारे साथ हैं, जिनका कोई सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। मान के चलते उनकी उम्र 25-30 का है, राइट? और उनके पास सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक ऐसा सिचुएशन आ गया उनके लाइफ में कि उनके पास एक प्रॉपर्टी पड़ा है जो फैमिली प्रॉपर्टी है, 3 एकड़ का, 4 एकड़ का या 1 एकड़ का, जो भी हो सकता है, और उसमें आधा 50% इनको अभी सेल करना पड़ रहा है क्योंकि घर में किसी का शादी या किसी का मेडिकल इमरजेंसी कुछ तो आ गया। तो वर्गीस पॉल, जिन्होंने आज तक रियल एस्टेट में उनका 0 एक्सपीरियंस है, उनका सेलिंग में 0 एक्सपीरियंस है, दोस्तों जरूरत पड़ने में 10-15 दिन के अंदर 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड, जमीन जो है उसको बेच डालते हैं। दैट इज व्हाट इज सेलिंग, बिकॉज इट इज इजी फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू सेल द थिंग्स वंस दे हैव द कन्विक्शन। सो नोबडी इज इम्यून टू सेलिंग। People without any experience can make a sale of a crore worth family property when it is needed. जब जरूरत पड़ता है तो लोग सेल जरूर करते हैं, right? और retailing को लेकर, how to do effective retailing and maintain customers, इसको लेकर एक point यहां पर मैं आपको कुछ points यहां पर बताना चाहूंगा कि retailing को कैसे बढ़ाया जाए और customers को कैसे maintain किया जाए।
द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेप नंबर वन, डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल इफेक्टिवली हमें करना चाहिए. इफेक्टिवली यूज द वीडियोस. डिजिटली टूल्स जो होता है ना हमारे पास, वीडियोस, कंपनी के वेबसाइट, स्टोर लिंक, ये सारी चीजें जो अवेलेबल है उससे हमें बहुत इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा. क्योंकि आज के जमाने में ये जरूरी नहीं है कि आप जाकर किसी को पूरा आई पल्स का एक्सप्लेनेशन दें. कभी कभी हो सकता है वो डिजिटली आपके साथ कनेक्टेड है, वर्चुअली आपसे जानना चाहते हैं ओवर अ जूम कॉल या व्हाट्सएप पर. तो हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स पैनल हैं, उन्होंने प्रोडक्ट को लेकर बहुत शानदार वीडियो उन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके आपको दिया हुआ है वाइब्रेंट विवा की तरफ से. तो आप वो वीडियो सेंड करेंगे तो आपके लिए डॉक्टर बालू या डॉक्टर श्रेयस या कोई भी हो सकते हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए, वो आकर वीडियो में बहुत ही इजीली प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. राइट. सो इफेक्टिवली डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करने से आप रिटेलिंग बढ़ा सकते हैं. द सेकेंड वन, टेस्टीमोनी से खतरनाक, टेस्टीमोनी से असरदायक टूल मैंने आज तक नहीं देखा कहीं पर. डायरेक्ट सेलिंग में स्पेशली प्रोडक्ट को लेकर जब आप बात करते हैं तो टेस्टीमोनी से बढ़िया और क्या हो सकता है सेलिंग के लिए. सो अगर आप खुद के टेस्टीमोनी डेवलप कर देते हैं दोस्तों, टेस्टीमोनी डेवलप करेंगे एक बार और उसको इस्तेमाल करेंगे दो बार, तीन बार, बार बार और हर बार. हर बार आप जो टेस्टिमोनियल एक बार आप जो डेवलप कर लेते हैं उसका इस्तेमाल आप लगातार कर सकते हैं. तो उसको कभी नजरअंदाज मत करना, उसको कभी लाइटली मत लेना. आपके खुद के टेस्टिमोनियल आपके घर के अंदर हो सकता है कि आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स, पापा मामा या आपके क्लोज फैमिली फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनकी टेस्टिमोनियल, खास करके अगर वो खुद का टेस्टिमोनी हो सकता है, right, that will become your brahmastra every time you try to retail the product. To ek ho gaya doston, retail tools jo hai uska effective use karna. Second one ki khud ki testimonial ek bar develop kar lijiye, usko lagatar aap use kar sakte hain, because that becomes the selling point, USP, unique selling proposition. And jaise ho sakta hai ki wazan aapka kam ho gaya, before after ki picture aap rakh lijiye unke samne, ekdam slim and trim nazar aaiye aap. It may be a eye glow testimony, it may be a blood sugar ka jo report hai wo ho sakta hai, anything. Maybe it is you are given the eye care product to your mom and you have shot a video about your mom talking about, beta ye product mujhe bahut acha laga, right? That can be a testimonial. Aur wo video ya jo wo image jo hai usko effectively aap use kariye retailing badhane ke liye, customers ko lagatar maintain karne ke liye. Aur third point hai retailing ko lekar ki wo hai use your influence. हमारा जो इनर सर्कल जो होता है दोस्तों, स्पेशली उसके अंदर हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा होता है. जैसे आपके खास लोग, आपके आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, जिनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, वहां पर आप रिलेशनशिप का इन्फ्लुएंस, आपका जो इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है उसका भी आप जरूर फायदा लीजिए. क्योंकि दैट ऑल्सो हेल्प्स यू टू सेल द प्रोडक्ट रेगुलरली, रिटेल करने के लिए दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट. So, रिटेलिंग बढ़ाने के लिए और कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए तीन स्टेप, डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल और खुद की पर्सनल टेस्टिमोनी जो है उसको भी आप रेडी रखिए. और तीसरा हो गया इन्फ्लुएंस, यूज योर इन्फ्लुएंस ऑल्सो. सो दोस्तों, ये हो गया स्टेप नंबर 6 and 7 आउट ऑफ द 8 कोर स्टेप्स. And next week we will go into the last one, which is called as the sales closing. Because today already it's 7:55. I don't want it goes beyond 8 o'clock, as our commitment goes always. So next week we will have the last session of the 8 core steps. We have completed 7 steps right now. So starting from, you know, list making, selection, prospecting, invitation. VOP, यानी plan, show the plan, 5th one last week, and 6th one हो गया follow-up. Follow-up पर do's and don'ts की बात करी आज हमने, उसके बाद we have spoken about retail, which is the 7th step, और 8th step, and the most important, it is like playing the football match is important.
लेकिन स्कोरिंग अ गोल ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट. अभी अभी वर्ल्ड कप पर हमने देखा कि महत्व गोल का जो महत्व है कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए. सो दैट वे द नेक्स्ट स्टेप इज द एक्चुअल अल्टीमेट एंड द फाइनल स्टेप विच इज कॉल्ड एज द सेल्स क्लोजिंग. उसके ऊपर हम लोग स्पेशली नेक्स्ट वीक विद अ फ्रेश एपिसोड हम लोग वहां पर बात करेंगे. एंड उसके बाद लेट अस गो इनटू द वेबेथॉन सीजन 9 जिसको लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग स्पेशल. एक हिंट देता हूं, अभी तक जो हमने नहीं किया वो हम करने वाले हैं वेबेथॉन सीजन 9 पर. तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स टुडे. मैं यहां पर देख पा रहा हूं राइट फ्रॉम वीवा रिटेलर से लेकर वीएसी मेंबर्स तक सब लोग यहां पर शामिल हैं. सो रियली रियली इंस्पायरिंग टू सी द लवली पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल यू लवली पीपल. तो जाते जाते आज के जो होस्ट हैं उनको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा. गुरबेज जी थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग होस्टिंग ऑफ द डे. एडमिन कैन यू पुट मिस्टर गुरबेज जी ऑन द स्पॉटलाइट वंस अगेन टू से थैंक्स टू हिम फ्रॉम ऑल ऑफ अस. और दोस्तों इसी के साथ I am telling today is Friday. बाकू का जो ट्रिप जो है उसकी प्रिपरेशन चल रही है एंड फंटास्टिक वाइब्रेशन इज कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया एंड आवर कंपनी द मैनेजमेंट द VBOs हम सब लोग काफी एक्साइटेड हैं उसको लेकर. सो डू नॉट बी वॉचिंग, सिर्फ देखते मत रहिए. डू नॉट बी वेटिंग, सिर्फ इंतजार करते मत रहिए. बट कीप विनिंग, बल्कि जीतते रहिए. राइट, डोंट बी वेटिंग, डोंट बी वॉचिंग, बट कीप विनिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड बी अ गोवा अचीवर एंड ऑल्सो बाकू अचीवर बिकॉज दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर आप गोवा भी अचीव कर सकते हैं, बाकू भी अचीव कर सकते हैं. इन चीजों से उठकर उससे ऊपर आप एक फंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए फॉर्म कर सकते हैं. सो द नेक्स्ट 10 क्लोजिंग्स इंक्लूडिंग टुडे इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे एंड मैं सबको अनम्यूट करूंगा. सब लोग कहेंगे वी आर वीवा वी आर वन और उसके बाद हम कहेंगे जय हिंद और इस मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं. सो लेट्स डू दैट.